तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा UMT के ऊपर वीडियो है। तो जो मैं टॉपिक में लेकर के आया हूँ, UMT ने एक बहुत अच्छा अपडेट निकाला है। जो सैमसंग मोबाइल फोन के लिए सैमसंग के लिए मीडिया टेक सीपीयू मोबाइल फोन के लिए एक अपडेट निकाला है, तो आज हम लोग उस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपडेट वीडियो देने वाला हूँ, ताकि वो लोग वीडियो के माध्यम से काफी चीजों को सीख सकें, और सीखने के बाद और वो अगर उनके सिस्टम में है तो वो लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसका चलाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो आप उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहली बात डोंगल को अपने कंप्यूटर में लगा देंगे। डोंगल कंप्यूटर में लगाने के बाद आप लोग नाउ ओपन करेंगे UMT सपोर्ट। देखिए ऐसे UMT सपोर्ट खोलेंगे, अगर जब भी कोई नया आ जाता है, तो नया आने का मतलब क्या होता है, उसमें नई चीज उसमें ऑलरेडी लिख जाती है। देखिए न्यू, क्या नई चीज आ गई है आप इसमें देख सकते हैं, तुरंत हाईलाइट हो जाता है कि नई चीज आ गई है। आप इंस्टॉलर में जाएंगे और देखिए क्वालिकॉम का अभी नया अपडेट आ गया है, तो मैं दोनों अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सैमसंग में भी आ गया है, क्वालिकॉम में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। 11 दिसंबर 2023 को अपडेट आया है, और इसने जो अपडेट निकाला 7 दिसंबर 2023, तो दोनों के लिए अपडेट आया है, क्वालिकॉम ने भी निकाला है और मीडियाटेक ने भी निकाला है। तो मैं आपको दोनों के बारे में आपको एक एक करके आपको समझा देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ और इसके बारे में बता। वैसे ही जितने भी सारे मॉडल जो अपडेट इसमें दिया हुआ है वो अनलॉक टूल ने पहले से दे रखा था, अनलॉक टूल में पहले से भी आता था, लेकिन इसमें यह है कि अब बाद में दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेट है दुरुस्त है, ओपन किया, ओके किया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अब स्टार्ट करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या नई चीज आती है जब भी आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इंस्टॉल करते समय वो नई चीज क्या चीज हो रही होती है वो आपको दिखता भी है, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकेशन में जाएंगे, लोकेशन में जाने के बाद लोकेशन में गए, लोकेशन में जाने के बाद आप देखिए ये वाला सैमसंग का 0.6 नया, 0.5 पहले आता था, 0.6 नया है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक्सट्रैक्ट हियर, फाइल बंद है उसको खोल लीजिए। जैसे आप खोलेंगे तो सैमसंग 0.6 नया आ जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आपके स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आई एक्सेप्ट, ये सारी चीजें डिटेल लिख करके आते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूँ सैमसंग 0.6 क्या नया आया वो भी आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बार नया न्यू क्या चीज आई है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सैमसंग के मीडियाटेक मोबाइल फोन को आप उस मोबाइल फोन को डाउनलोडिंग मोड में ले जाएं और आप मोबाइल फोन को FRP हटा सकते हैं। सैमसंग इमीडिएट के बहुत सारे मोबाइल फोन इस समय नए आए हुए हैं, और उनके अंदर जब FRP लग जाता था, जिन लोगों के पास डोंगल था तो उनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके अंदर स्टार है, जीरो स्टार है, कोड काम नहीं करता था। इमीडिएट होता तो कोड काम करता था, तब भी फेल्ड हो जाता था, तब भी सिक्योरिटी नहीं थी, वो ब्रेक नहीं हो पाती थी, तो हम लोग इसके माध्यम से हटा सकते हैं। अब देखिए व्हाट्स न्यू, नया क्या चीज आया वो सारी चीजें इसमें देखो लिख करके आ जाता है। व्हाट्स न्यू, एड सैमसंग, मतलब एड सैमसंग वन क्लिक FRP रिसेट डाउनलोडिंग मोड।
डाउनलोडिंग मोड का मतलब होता है जो ओडिन मोड में मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हो ना, वॉल्यूम माइनस डाटा केबल लगा, प्लस डाटा केबल लगा करके जो फोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाता है, तो वो हमारा ओडिन मोड होता है। तो वहां पर आप मोबाइल फोन के डाउनलोडिंग मोड में फोन जाके कनेक्ट करा दीजिए, फोन को कनेक्ट कर नॉर्मल डाउनलोड मोड, या अगर नॉर्मल कनेक्ट करेंगे, नॉर्मल कनेक्ट करने के बाद फोन अपने मन से डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, ऐसा भी है। दूसरा सिलेक्ट मीडिया टेक, लेकिन आपको जब मीडिया टेक मोबाइल फोन के FRP तोड़ेंगे तो उसमें जो सिलेक्ट मीडिया टेक FRP क्लिक रीसेट, मतलब आपको मीडिया टेक को FRP आपको सिलेक्ट करना है। सपोर्टेड वेरियस सैमसंग डिवाइस बेस्ड ऑन मीडिया टेक चिपसेट, मतलब सैमसंग के जितने भी वेरियस, सैमसंग के अराउंड जितने भी सारे मोबाइल फोन है और जिसके अंदर मीडिया टेक CPU लगा है उसके लिए ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ये आपका इंस्टॉल हो गया, फिनिश। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए सैमसंग का कहां पर आ गया है, ये सैमसंग 0.6, इसको ओपन करेंगे। यस, जैसे ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन में सैमसंग का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। जब सैमसंग का सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में खुल जाएगा तो आप इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं, देखिए इसके लिए आपको फ्लैशिंग करना, तो यहाँ पर फ्लैशिंग में चले जाइए, BLAP CP CSC चारों फाइलों को ले लीजिए। आप टूल्स में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मीडिया टेक सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ये मीडिया, जबकि पहले ऐसा नहीं आता था। आप मीडिया टेक ले लेंगे, मीडिया टेक लेने के बाद जैसे आप मेथड मीडिया टेक, ऑलरेडी मीडिया टेक देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग एनेबल ADB मोड है तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने मीडिया टेक लिया, ये मीडिया टेक ऑप्शन पहले नहीं आता था, आ गया। आने के बाद फिर हम यहाँ से ला करके ऑल मीडिया टेक न्यू सिक्योरिटी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये, उसके बाद रीसेट। जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो रीसेट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन को कनेक्ट करा के रखिए। अगर आपका मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में नहीं होता, आप केबल लगा करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये मोबाइल फोन को खुद ही अपने मन से डाउनलोडिंग मोड में ले जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसके अंदर या वॉल्यूम प्लस माइनस बटन खराब हो जाती है। जब वॉल्यूम प्लस माइनस बटन खराब हो जाती है तो उस फोन को हम डाउनलोडिंग मोड में ले जाते हैं, डाउनलोडिंग मोड में नहीं जाता। लेकिन इसके माध्यम से कम डाउनलोडिंग मोड में तो चला जाएगा, अपने मन से डाउनलोडिंग मोड में ही चला जाएगा। और डाउनलोडिंग मोड में नहीं जाता तो मान लो उसे ले जाया जाएगा, लेकिन अगर इसके माध्यम से फीचर दे रखा है तो आप लोग इसके माध्यम से अपने मन से ही फोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, मोबाइल फोन में FRP लग जाएगी और आपका मोबाइल फोन फ्रेश नया हो जाएगा और FRP रिमूव हो जाएगी। सैमसंग के मोबाइल फोन में FRP समझ लीजिए ऐसा है कि सभी मोबाइल फोन में FRP लगती है, बाकी फॉर्मेट तो हाथों से हो जाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख के फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन FRP में जरूर फंसते हैं सैमसंग के मोस्टली मोबाइल फोन। तो सैमसंग ने जो UMT ने जो सैमसंग मोबाइल फोन के लिए जो निकाला है, बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग के जो मीडिया टेक सिक्योरिटी के जो मोबाइल फोन आते हैं, उस मीडिया टेक के सिक्योरिटी के मोबाइल फोन को आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, जिसको FRP हटाने का मार्केट में 150, 200, 250, 300 रुपए चार्जेस लिया जाता है, जबकि इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो UMT डोंगल ने या UMT प्रो ने जो ये अपना जो फीचर निकाला है, बहुत अच्छा फीचर है, और इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं मीडिया टेक के सारे मोबाइल फोन, जो मीडिया टेक सैमसंग सारे मोबाइल फोन को आप FRP को हटा सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको आप क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपकी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, सॉफ्टवेयर में आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद फॉर्मेट जो डाटा है वहां पर आप मीडिया टेक मेथड को ले लेंगे, उसके बाद ऑलरेडी मीडिया टेक तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा और रीसेट FRP भी क्लिक कर देंगे। जैसे रीसेट FRP क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर चलेगा और आप मोबाइल फोन को पहले ही कनेक्ट, बोले फोन नॉट फाउंड, अगर फोन फाउंड होता तो अपने मन से देखो प्लीज कनेक्ट द फोन इन डाउनलोडिंग मोड या नॉर्मल मोड वाया USB केबल, मतलब नॉर्मल मोड में USB केबल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो फोन अपने मन से ही डाउनलोडिंग मोड में ले जाएगा। डाउनलोडिंग मोड में ले जाने के बाद उसके लॉक को FRP को हटा देगा। कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी फाइल होती है, उस फाइल को ऐसे चुटकियों में डिलीट कर देता है। FRP फाइल होती है जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिस्टम लॉक के अंदर सेव होती है, अगर वो फाइल जैसे डिलीट हो जाती है तो जब दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आता तो फाइल ही नहीं होती, तो FRP नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये उन चीजों को रिमूव कर देते हैं।
तो आज जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मीडियाटेक सीपीयू के जितने भी सारे मोबाइल फोन आएंगे, सैमसंग सैमसंग के मीडियाटेक सीपीयू के जो भी मोबाइल फोन आएंगे, उन मोबाइल फोन के एफआरपी को आप रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको सीपीयू पता करने के बारे में भी बता देता हूँ कि सीपीयू कैसे पता करेंगे। सीपीयू पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग इसको होम पे चले जाएंगे, गूगल खोल लेते हैं। उसके अंदर सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन आता है, सैमसंग के आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, सैमसंग MTK सपोर्ट फोन, देखो सैमसंग गैलेक्सी M04 F64, F64 देखे, सैमसंग गैलेक्सी F64 5G, ये आपके मोबाइल फोन आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे अगर आप देखेंगे 24,000 का मोबाइल फोन है सैमसंग गैलेक्सी F64 F5G, आप चाहें तो जैसा मरीना से देख सकते हैं सैमसंग F64 5G। सैमसंग F64 5G, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया जैसा मरीना, ये खुल गया। खोलने के बाद हमने जीएसएम मरीना साइड में ओपन किया, ये देखिए इसके अंदर एक्सनॉस सीपीयू लगा हुआ है, इसमें मीडियाटेक नहीं लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसमें उसी मोबाइल फोन को कर सकते हैं जिसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा हो। सैमसंग M01 GSM अरीना, वैसे मॉडल याद रहते हैं, ऐसे काम के टाइम पर मॉडल भी नहीं याद आते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्वालिकॉम सीपीयू लगा हुआ है। तो इसी तरीके से मीडियाटेक भी, सैमसंग के बहुत सारे मोबाइल फोन है जो मीडियाटेक सपोर्टेड मोबाइल फोन है। तो मैं आपको दिखा, जैसे मैं निकलता हूँ सैमसंग A12 GSM अरीना, GSM अरीना बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो मोबाइल फोन में रिपेयरिंग करने वालों के लिए समझिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए इसके अंदर चिपसेट मीडियाटेक लगा हुआ है MT6765, और ये पहले अनलॉक टूल में काफ़ी टाइम पहले आ चुका था। अनलॉक टूल में सारे मोबाइल फोन हो जाते थे लेकिन अपने डोंगल के माध्यम से नहीं हो पाते थे। तो जिनके पास, जो लोग डोंगल के परेशान हो रहे थे कि अरे अनलॉक टूल में हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी इस मोबाइल फोन को आसानी साथ में कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मीडियाटेक सीपीयू के जो मोबाइल फोन आएंगे, उस मीडियाटेक सीपीयू को मोबाइल फोन को हम लोग एफआरपी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और सैमसंग के मोबाइल फोन को, और इस डोंगल ने क्या अपडेट दिया है, उस अपडेट को कैसे चेक किया जाता है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सारी वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने योमटी डोंगल के ऊपर मैंने बहुत सारी, कम से कम 20 से 25 वीडियो मैंने डाल रखी हैं। उसमें से एफआरपी को कैसे तोड़ेंगे, सैमसंग के मोबाइल फोन में पासवर्ड कैसे टोलेंगे, या एमआई, रेडमी, ओप्पो, वीवो, जितने भी तरह के मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर इस डोंगल को यूज कैसे किया जाएगा, इसके माध्यम से लॉक कैसे खोला जाएगा, वो सारी वीडियो आप चाहो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो, वीडियो वॉच करके और इन सब चीजों के बारे में सीख सकते हो और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं अपने अगली वीडियो के ऊपर, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप इस तरीके से इस लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।